नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसके अनिल और आज के इस एपिसोड में एक बेहतरीन ऑप्शन नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर में एक ऐसा ऑप्शन हम लोगों ने ऐड ऑन किया है जिसमें ऑटोमेटिक बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जेनेटिकल कनेक्शन के साथ साथ आपके पास्ट इवेंट भी सर्च किए जाएंगे और पास्ट इवेंट में डेथ केसेस, मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ, ये तीन ऐसे ऑप्शन जो है वो हमने ऐड ऑन किया है कि जो भी बर्थ टाइम आप रेक्टिफाई करते हो आप अपने पास्ट इवेंट, मेजर पास्ट इवेंट भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन डाले हैं हमने, ये जो इवेंट वेरिफिकेशन का जो हमने ऑप्शन डाला है, ये खुल्लर साहब द्वारा जो प्रतिपादित नियम है उनका अनुसरण करते हुए डाला गया है और इसमें जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया गया है जेनेटिकल कनेक्शन के साथ में, उसके अंदर ये प्रोमिसेस भी चेक करके बताएगा कि प्रोमिस है कि नहीं है। दशा फिक्सिंग के जो रूल खुल्लर सर ने प्रतिपादित किए हैं और जो पढ़ाए हैं उसका ध्यान रखा गया है, ट्रांजिट का ध्यान रखा गया है, सन एंड मून के इंटरप्ले का ध्यान रखा गया है और यहाँ तक की प्रोग्रेशन का भी ध्यान रखा गया है। तो ये जो सॉफ्टवेयर अभी डेवलप हुआ है, आइए इसके बारे में और डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करते हैं, आप देखें ये किस प्रकार से आपका बर्थ टाइम रेक्टिफाई करता है और वो इवेंट भी वेरीफाई करता है। ये हमने एक चार्ट जो है वो लिया हुआ है, आप इस चार्ट में देखें जो गिवन टाइम है, डेट है वो 28 अक्टूबर 64 का है, सुबह के 8:42, ये गिवन था। और फर्स्ट चाइल्ड का जो मून स्टार है वो आपका राहु है। आइए फर्स्ट टाइम रेक्टिफिकेशन में लेके चलते हैं। जो फर्स्ट चाइल्ड है वो सेलेक्ट करेंगे राहु मेल, आप देख सकते हैं सारे पैरामीटर पास है, यहाँ पे केवल जेंडर ऑफ नेटिव जो है ना वो फेल हो रहा है। इसको बैकवर्ड लेके चलते हैं, आपको मैं बताऊं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राणा लेवल तक जो है ना वो किया हुआ है। ये है जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई हुआ है, ऑटोमेटिक जो पैरामीटर्स हैं बर्थ टाइम रेक्टिफाई होने के, सन के, मून के और एसेंडेंट के जो कोर रूलिंग प्लैनेट है 1, 7 और 10 में जाने चाहिए और लगन के जो सब सब लॉर्ड का यानी असेंडेंट के सब सब लॉर्ड का जो कनेक्शन है वो मून के स्टार लॉर्ड से होना चाहिए। फिर वो नेटिव के मेल और फीमेल होना या उसके पहले चाइल्ड के मेल और फीमेल होना, उसके जो नियम है प्रतिपादित किए हुए ये उस पर बेस्ड होता है, ये वहाँ पे किया हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर जो है वो, अगर ये टाइम रेक्टिफाइड है तो क्या जो दूसरे इवेंट है ना वो मैच करते हैं। जैसे इनके फादर की जो डेथ है वो 4 जनवरी 2016 सुबह के तकरीबन 2:30 के आसपास हुआ था, मदर की डेथ जो है वो 15 अप्रैल 1998 सुबह 6:00 के आसपास, यंगर ब्रदर की जो डेथ हुई थी वो 18 अप्रैल 2015 और रात को तकरीबन 9:30 की बात है, मैरिज जो है वो 21 अप्रैल 2005 सुबह 4:00 और फर्स्ट चाइल्ड जो है वो 24 अप्रैल 2006 सुबह 4:33 पे, ये गिवन डेटा था। इसको हमने जब वेरीफाई कराया यहाँ से तो फादर की डेथ में जो दशा लॉर्ड था ना वो फेल हो गया, ट्रांजिट पास था, प्रोग्रेशन फेल था, यानी कि ये जो टाइम है ये करेक्ट नहीं है। मदर की यहाँ पे डेथ है वो सारे पैरामीटर्स पे पास होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यदि ये दिए हुए जो इवेंट्स हैं उनमें से एक भी इवेंट फेल होता है तो वो टाइम परफेक्ट नहीं है, करेक्ट टाइम नहीं है, सबके सब इवेंट पास होने चाहिए उसी पैरामीटर्स पे जो खुल्लर सर ने बताए हैं, सिखाए हैं, उसी का पूरा ध्यान रखा गया है। अब इस चार्ट का जो एक्चुअल रेक्टिफाइड टाइम है वो लेते हैं, इस चार्ट का जो एक्चुअल रेक्टिफाइड टाइम था जो हमने इसमें निकाला था वो सुबह 8:39
8:39 और 34 सेकेंड, और जो मिली सेकेंड है 34, और मिली सेकेंड जो है वो 00055 यानी कि 55। इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करके सेव कर लीजिए। अब आप आए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में, आप यहाँ पे दोबारा से करके देख लीजिए। राहुल मेल यहाँ पे सारा पास है। अगर कहीं पे जो सबसम लॉट पे अगर आपका बर्थ टाइम हो गया, उसको और भी फाइन ट्यून करने के लिए सबसम लॉट का सहारा लिया गया, हालांकि ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया है, या सबसम लॉट लेवल पे भी वो पास होता है। तो आप सबसम लॉट के लेवल पे अगर बीटीआर कर रहे हैं, उसको और फाइन ट्यून करने के लिए आप प्राणा लेवल तक भी कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया है। इवेंट वेरिफिकेशन में आते हैं और यहाँ पे हम जो पैरामीटर्स हैं, हमने देखिए कितने इवेंट डाले, वन मदर एंड फादर का, यंगर ब्रदर का, मैरिज का और फर्स्ट चाइल्ड का, इसको वेरीफाई कराते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्रॉमिस दिखा रहा है वो यस है, यानी कि मैरिज भी प्रॉमिस में है और चाइल्ड बर्थ भी प्रॉमिस में है। दशा लॉट्स पास हो रहे हैं सभी में, ट्रांजिट सभी में पास हो रहा है और प्रोग्रेशन सभी में पास हो रहा है। तो ये ब्यूटी है इस सॉफ्टवेयर का, और ये हमने पिछले 1.5 साल में लगातार अथक प्रयास से इसको डेवलप किया है, और ये 19 और 20 तारीख में हम ये लॉन्च करेंगे। और आपके माध्यम से ये हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस पे अपना जो यूज़र है हमारे, वो इसको टेस्ट भी करें, और कहीं पे यदि कोई एरर आपको नज़र आता है मैन्युअली आप जब कर रहे हो और आपको दिखता है कि भाई यहाँ पे ये इवेंट पास हो रहे हैं, तो निवेदन करूँगा कि आप हमें संपर्क हमसे संपर्क करें और हमें ये बताएं कि कहाँ पे ये फेल हो रहा है और कहाँ पे ये पास हो रहा है, और कहाँ पे ये पास होना चाहिए था उसमें फेल दिखा रहा है। शायद कहीं पे, चूंकि ये पहली बार हमने इसको किया है, तो ये आप देख पाएंगे कि संभवतः कहीं ना कहीं एक आध जगह पे कोई एरर रह सकता है। आइए एक और चार्ट लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्म हो सके। इसके अंदर एक और चार्ट है हमारे पास, ये ले लेते हैं, और एक चार्ट जो है वो इस पे सेलेक्ट करते हैं। ये हमने चार्ट एक सेलेक्ट कर लिया है, इसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप सारे पैरामीटर्स जो है वो पास हो रहे हैं, ठीक है, और इनके जो है ये किया हुआ है या नहीं किया हुआ है ये पता चल जाएगा। जो इनके फर्स्ट चाइल्ड है उनका, मेल चाइल्ड है उनका मून स्टार जो है वो सन है, एक बार भी चेक करना जरूरी है रेक्टिफाइड है कि नहीं। ये यहाँ पे ये है मेल पास है, देखिए सारे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं। कई बार देखने में आया कि जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है फीमेल में खास करके, या किसी कारण से मेल में, जैसे आईएफबी से हुआ हो, है ना, आईएफबी से होता है, तो उसमें क्या होता है थोड़ा सा स्पर्म कहीं और से आता है डोनेट होके, तो उसमें ये टैली नहीं करता क्योंकि बायोलॉजिकल फादर नहीं बनते। तो आप यहाँ पे जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड है वो भी इग्नोर करा सकते हो अगर आप फीमेल की कुंडली में कर रहे हो, तो और भी कई कारण हो सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे डाला गया है। आइए इसको वेरीफाई कराते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे ये ऑफ कर देंगे, मदर फादर का नहीं है, यंगर ब्रदर का नहीं है, मैरिज और चाइल्ड बर्थ का है यहाँ पे। तो इन कन्या की जो मैरिज हुई है, वो मैरिज जो है वो तारीख इन्होंने जो दिया हमारे को 15 फरवरी 2009, और जो गिवन टाइम था उन्होंने रात को 11-12 बजे बोला था, तो अपन 11:30 ले लेते हैं। और जो बेटे का जो बर्थ उन्होंने बताया है वो 19 जून 2010, और टाइम जो दिया उन्होंने 4:29 सुबह का,
29 मिनट सुबह का, तो ये हम वेरीफाई कराते। अब आप देखो इसके अंदर में कि जो टाइम है, ये प्रॉमिस तो यस आ गया लेकिन दशा में दोनों ही फेल हो गए। ये ट्रांजिट में फेल हो गया, चाइल्ड बर्थ ट्रांजिट में पास हो गया, प्रोग्रेशन में एक मैरिज पास हो गई और फर्स्ट चाइल्ड के अंदर प्रोग्रेशन में फेल हो गया, ये है ना। तो यहाँ पे जो बर्थ का टाइम जो रेक्टिफाई किया गया है, आप इसको दोबारा से जो है वो देख सकते हो। आप यहाँ पे 21-22 और इनका जो रेक्टिफाइड टाइम था वो 3:33 है ना, 3:33:34 था, 3:00 किसी और का लिया क्या आप देखें यहाँ पे मैरिज 3:21 था ना, तो 3 कैसे लिखा है यहाँ पे 21-24 बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन 9:21:25 और बर्थ का टाइम जो था इनका वो था 21-24:05 इनका बर्थ का टाइम जो दिया था वो देख लेते हैं। बर्थ टाइम दोबारा से लेते हैं इनका क्लोज, इनका बर्थ का टाइम जो 2-3 रेक्टिफाई किया गया है उसमें मैरिज पास पास चिल्ड्रन एक फेल आता है 21-24:05 है ना। ये इनका गिवन टाइम था 9:25 शाम का, 21:24:05 05:00 है ना, ये टाइम था। इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं बीटीआर से, बीटीआर में यहाँ पास है, मून स्टार जो है वो बच्चे का सन था, सन सेलेक्ट करेंगे, मेल था, मेल सेलेक्ट करेंगे, सब पैरामीटर्स पे पास हो गए। अब चलते हैं इवेंट वेरिफिकेशन में। तो इवेंट वेरिफिकेशन में 15 फरवरी 2009 ये आ गया और चाइल्ड का है 19 जून 2010। वेरीफाई करा के देखते हैं, आप देख सकते हो ये 1 मिनट 2 मिनट आधे मिनट के अंतराल में कितना डिफरेंस आता है और किस प्रकार से ये सारी चीजें पास और फेल होती हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉमिस देख सकते हो, प्रॉमिस में यस आ रहा है मैरिज और चाइल्ड बर्थ, और दशा लॉट्स में भी आपका पास हो जाता है, ट्रांजिट पास हो जाता है और प्रोग्रेशन पास हो जाता है। और एक आधा मिनट के अंतराल पे भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो दशा है या ट्रांजिट है या प्रोग्रेशन है वो फेल हो जाता है। तो आप ये सॉफ्टवेयर जो है वो आप ध्यान से देख लीजिए और आपको ले चलते हैं दूसरे ऑप्शंस की तरफ में। दूसरे ऑप्शन में आप देखिए हमारे पास बहुत अच्छा है। पहले जो था वो कस्पल इंटरलिंक में, ये हमने उसको अप टू सब लेवल भी किया है, सब सब लेवल भी किया है और अप टू प्राणा लेवल भी किया। अगर आप प्राणा लेवल सेलेक्ट करेंगे तो वो प्राणा लेवल तक के जो हाउसेज है वो लगा देंगे। फिलहाल यहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए सब सब लॉट तक जाना ठीक रहेगा। और एक बताऊँ आपको, एक नया ऑप्शन और हमने डाला है और वो है सर्वतोभद्र चक्र में। बहुत सारे लोग, सबसे पहले हमने क्या किया था कि सबसे पहले हमने किया था कि भाई ये जो पंचसलक और नक्षत्रों के वेद, जैसे ये नक्षत्र वेदन, राशि वेदन, स्वर वेदन, अक्षर वेदन, ये सब अलग अलग हमने लिए थे, 88 पदा का वेद, SMT उपग्रह लगता। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं नहीं, आप हर बार ही सेलेक्ट करना पड़ता है, आप एक साल का अगर हमने निकालना है तो हर बार आपने लता वेदा सेलेक्ट करना है। तो हमने इसको बदल के आपने पीरियड केवल सेलेक्ट करना था, वो एक साल में जो जो भी वेद एप्लीकेबल होते थे वो सब आ जाते थे। अब इसको अप्लाई करने के बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं सर, ये तो एक साथ सब आ जाते हैं, मुझे तो वैसे चाहिए। तो हमने इसको दोनों तरफ से मॉडिफाई कर दिया, आप चाहें एक साथ ले लें, आप चाहें सेलेक्ट करके ले लें। कैसे ले सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप ये मैनुअल हटा दें
और यहाँ पे केवल आप पीरियड सेलेक्ट करें, जैसे आपने पीरियड सेलेक्ट किया 6 मंथ्स का, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करा लें, ये आपको एक नोटिस आता है कि आपका 30 पेज तक हो सकता है, आपको करना ही नहीं करना है क्योंकि लेंथी प्रोसेस है। अब आप देख सकते हैं कितना फास्ट जो है वो इसके अंदर कैलकुलेशन हो रही है। जो प्लैनेट दशाओं में है, जैसे ये दिख रहा है आपको दशाओं में जो प्लैनेट होंगे, वही प्लैनेट अगर ट्रांजिट में करते करते आपकी राशि, नक्षत्र, स्वर, अक्षर, तिथि, SMT, उपग्रह, लत्ता, ये इन सब चीजों का वेद अगर हो रहा होगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके 1/1 आपको प्रेडिक्ट कर देगा, और वो ऑलमोस्ट करेक्ट होते हैं क्योंकि एरर की गुंजाइश नहीं होती इसके अंदर। फिर भी अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए नहीं है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, एक आध चीज ही होगी और हम उसको तुरंत रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक तो मैंने आपको ये अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि ये आपको किस प्रकार से जो है वो सारे लत्ता, वेधा, SMT, उपग्रह, ये सब एक ड्यूरेशन यानी 6 महीने के अंदर जो भी आएंगे वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेगा, वो आपको अभी दिखा देता हूँ। और इसके साथ में मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि जो ट्रांजिट में प्लैनेट्स चल रहे हैं नक्षत्रों पे, वो अपनी गति के हिसाब से कहाँ कहाँ वेद कर रहे हैं, मार्गी है तो किधर वेद करेंगे, और रेट्रो है, वक्री है तो कहाँ वेद करेंगे, नॉर्मल स्पीड में है तो कहाँ वेद करेंगे। और आपका ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे जो येलो कलर के अंदर पैचेस बनाए हुए हैं, ये आपके पंचशलक है, यानी आपकी कुंडली में जो भी प्लैनेट जो है वो जन्म के समय में जहाँ थे, चंद्रमा, उसका नक्षत्र, उसके उसका चरण, और उस हिसाब से नाम का अक्षर, और अक्षर का समूह और तिथि, ये सब पीले रंग में दिया हुआ ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपके पंचशलक है। और 6 मंथ्स का जो कैलकुलेशन है लगभग पूरा होने को है, 1 मिनट और रुक जाते हैं। हो गया कंप्लीट। अब इसमें प्रीव्यू में जाएं, आप इसके साथ जो एक्सपोर्ट टू PDF है आप सीधा अपने ड्राइव में प्रेडिक्शन सेव भी कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरफ से। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे नक्षत्र वेदन जो है वो दिख रहा है आपको कि नक्षत्र वेदन होगा, ये पेजेस आप देख सकते हो किस प्रकार से पेजेस जो है ना वो भी कैलकुलेट होकर के आ रहे हैं। आप पेज जो आपको दिख रहा है ये लेटर इतने बड़े बड़े से, आप इस लेटर का जो साइज है वो भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को विजन में देखने में परेशानी होती है छोटे छोटे लेटर्स को, इसलिए ये इसके अंदर प्रावधान रखा गया है कि आप लेटर को 2 गुना 3 गुना बढ़ा भी सकते हैं और अपने अनुसार इस लेटर्स को छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए, आप जूम पे जाएं, 500 तक भी ले जा सकते हैं और ये 10% तक भी ले जा सकते हैं, जो एक्चुअल है वो 100% है, आप इस तरीके से भी ले सकते हो। तो अपने हिसाब से आप साइज ले लीजिए और आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से जो है ना वो पेज अप पेज डाउन। अभी राशि का वेदन आप देखें, यहाँ पे राशि का वेदन हो रहा है ना, इसके बाद आप राशि के बाद जो है वो दूसरे वेदन आप देख पाएंगे, अक्षर का वेदन हो रहा है ना, तिथि का वेदन हो रहा है, ये तारीख के साथ यहाँ पे आता है और कितने बजे से कितने बजे तक आ रहा है, कौन सा प्लैनेट कर रहा है बर्थ तिथि को, ये सब डिटेलिंग यहाँ पे होती है। आप चाहें एक साथ ले लें इसका, और इसके अलावा आप अगर चाहें तो अब जैसे ये मैं दिखा रहा था आपको कि ये जो वेद है, ये लाइन देखिए सन है, वो एक साथ तीनों तरफ वेद करता है, उसके कलर बनाए हुए हैं, तो रेड कलर के जो प्लैनेट है वो अपनी गति के हिसाब से कहाँ कहाँ वेद कर रहे हैं, ये सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इसको एक एक दिन करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, एक दिन से लेकर के आप 10 साल तक का कर सकते हैं, 1 सेकंड से 10 साल तक का, है ना। आपने ये ले लिया, अब आप फॉरवर्ड करते चलिए, आपको दिख रहा होगा ये प्लैनेट ट्रांजिट हो रहे हैं। अब सन जो है वो आप देखें लिब्रा में आने वाला है, आ गया, और वो दिशाएं जो है ना वो बदलती जा रही है। अब आइए मैनुअल अगर कैलकुलेशन आपने करना है, इसको मैनुअल सेलेक्ट कराते हैं और 6 मंथ्स के लिए ही सपोज कर लीजिए, अगर SMT या लगता या 88 पर जो कि हाईली मेलिफिक है वो ले सकते हैं, या लेवल आप सेलेक्ट कर सकते हो, थर्ड लेवल मीन्स महादशा से लेकर के अंतरा लॉर्ड तक, महादशा, भुक्ति, अंतरा, और 5 लेवल तक मतलब प्राणा तक। तो आप यहाँ पे प्राणा तक ले लीजिए और कैलकुलेट कराइए, ये केवल और केवल आपके 88 पद का जो वेदन है ये वो करके देगा।
ये वो करके देगा। आप देखिए यहाँ पे व्यू लगाए, आप देख सकते हो, इसको आप थोड़ा छोटा कर लो, ये आप देखोगे यहाँ पे कि एट पद का ही वेद केवल यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, और यह केवल दो पेज में आया है क्योंकि इनका वेद ऐसे ही इतना ही हो रहा है, चार में आता तो ये चार पेज में दिखाता आपको। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हो, और इसका जो प्रेडिक्शन है ये बहुत बहुत अच्छा जाता है। आप सभी को पता है सर्वोत्तम चक्र जो है वो एक बड़ा सशक्त माध्यम है प्रेडिक्शन करने के लिए। ये जो ऑप्शन है आपको कैसा लगा, और आप अपने कमेंट्स जो है वो मुझे लिख भेजिए, या मेरे YouTube चैनल पे ही आप मुझे बता सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हैं आप, आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा अपने फीडबैक दीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में इसी सॉफ्टवेयर में जो दूसरे ऑप्शन हैं हम उसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है, यानी कि पराशर एस्ट्रोलॉजी भी इसके अंदर बिल्कुल एडवांस लेवल पे है। एडवांस लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए पराशरी में जो प्रेडिक्शन है ना वो षडवर्गों के माध्यम से करते हैं, और जब आपको बहुत माइन्यूट डिवीजन में जाना पड़ता है, अगर 144 की बात करें, D144, D60 है, तो क्या होता है कि समय में जरा सा भी हेर फेर हो तो ये इसका जो चार्ट है वो एकदम गलत बनता है, कास्ट ही गलत होता है, तो उस पर प्रेडिक्शन सही कैसे होगी। लेकिन जब आप हमारा सॉफ्टवेयर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सेकेंड के हिसाब से करते हो तो वो सर्वर का 144 तक का चार्ट भी एक्यूरेटली कास्ट होता है। इसलिए ये बहुत खास है उन लोगों के लिए जो पराशरी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका जो फलादेश दिया हुआ है, फलादेश नहीं बोलूंगा, जो फीचर दिए हुए हैं उसमें ये इवेंट जो है ना वो भी वेरीफाई करेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है वो कौन से इवेंट के लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, उसको रेड येलो रेड ग्रीन और ब्लैक से मार्क किया हुआ है। आप उसको प्रोग्रेस भी कर सकते हैं घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, ताकि आपको पता लगे कि कौन से प्लैनेट के अंदर कहाँ पे चेंजेस हो रही हैं और वो आपके नाड़ी के हिसाब से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में किस प्रकार से सहायक हो सकता है। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पराशरी एस्ट्रोलॉजी के साथ में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जैसा मैंने बताया, ये हमारा जो NGS सॉफ्टवेयर है, नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर, ये पराशरी अष्टकवर्गा और अष्टकवर्गा में भी ये D144 तक का अष्टकवर्गा देता है आपको। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, इसमें KP एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर सर्वोत्तम चक्र डाला हुआ है, ऑटोमेटिक प्रश्न कुंडली के आंसर हैं, ठीक है, एनिमेटेड ट्रांजिट है, और इवेंट प्लैनेट है, इवेंट फाइंडर है, और ऑब्वियसली CIL तो ये है ही है। इसमें बहुत सारे फीचर दिए हैं जिसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए और उम्मीद करते हैं आपका फीडबैक जरूर पहुंचेगा। शुक्रिया, धन्यवाद।